डू यू नो, इस दिन यानी 14 मार्च को भारतीय सिनेमा को आवाज मिली थी। 14 मार्च 1931 को निर्देशक अर्देशीर ईरानी ने देश को पहली बोलती फिल्म का तोहफा दिया था। इस प्रयोग को आज 89 साल हो गए हैं। तो क्या है भारतीय सिनेमा की साउंड जर्नी, आइए जानते हैं। 1931 में आई आलम आरा फिल्म में फिरोज शाह मिस्त्री ने अपना संगीत दिया था और इस तरह से वे भारतीय सिनेमा के पहले संगीतकार बने। आलम आरा का दे खुदा, जिसे वजीर मोहम्मद ने गाया था, इस गाने को भारतीय इतिहास का पहला गाना माना जाता है। दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले। इस गीत को हारमोनियम और तबले के साथ लाइव रिकॉर्ड किया गया था और भारतीय सिनेमा की सबसे पहली फीमेल सिंगर थी राजकुमारी दुबे। समीर अंजान, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में 3,524 गाने रचे 15 दिसंबर 2015 तक, उनके नाम सबसे अधिक गीत लिखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। हिंदी सिनेमा का एक सबसे पॉपुलर गाना अब तुम्हारे हवाले ए वतन साथी 15 मिनट का गाना है और इसलिए यह गीत हिंदी सिनेमा का सबसे लंबा गीत है। फिल्म इंद्रसभा में सबसे ज्यादा यानी 72 गाने थे। इसके बाद आई फिल्म शीरीन फराद में 42 गाने थे। हिंदी सिनेमा में अर्देशीर ईरानी को साउंड के दिग्गज माना जाता था। वे खुद गीत और धुनों को चुनते और सेट पर लाइव साउंड सुनते थे। इसके बाद रायचंद ने पहली बार फिल्म धूप छांव में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की थी। अनिल बिस्वास को पहले भारतीय ऑर्केस्ट्रा का श्रेय दिया जाता है। सरस्वती देवी भारत की पहली महिला कंपोजर थी। वसंत देसाई भी एक महान कंपोजर थे। 1943 में आई शकुंतला बतौर संगीत निर्देशक एक बड़ी हिट फिल्म थी और कंपोजर आरडी बर्मन ने इलेक्ट्रॉनिक रॉक के एरा की शुरुआत की थी। अब वर्ल्ड सिनेमा को कब आवाज मिली? 1919 में डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने पहली ऑप्टिकल साउंड ऑन फिल्म टेक्निक को इन्वेंट किया था। 1926 में पहली बार डॉन जुआन फिल्म के लिए सेपरेट ग्रामोफोन पर साउंड रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद द डिक्सन एक्सपेरिमेंटल साउंड फिल्म 1984 के अंत या 1985 की शुरुआत में विलियम डिक्सन द्वारा बनाई गई फिल्म है और यह लाइव रिकॉर्डेड साउंड के साथ पहली फिल्म बनी।